मेरा नाम है नितिन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इंग्लिश 24/7 मिनट्स। दोस्तों, हर इंसान की कुछ हॉबीज़, कुछ शौक़ होते हैं जो बचपन से हम नेचुरल वे में अपने साथ लेके चलते हैं और लाइफ लॉन्ग लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट खेलना, गाने सुनना, फिल्में देखना, कुकिंग करना, ड्राइविंग करना, ऐसे बहुत सारे शौक हैं जो आपने एज अ बर्डन अपनी लाइफ में नहीं लाए, किसी ने आपको उनके लिए फोर्स नहीं किया, नेचुरल में आपने उनको पसंद करना शुरू किया और लाइफ लॉन्ग आप उनको इन्जॉय करते रहे। क्यों? क्योंकि हम उन्हें नेचुरल वे में दोस्तों इन्जॉय कर रहे थे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रख लीजिए, वो हर एक चीज़ जिसको आप नेचुरल वे में इन्जॉय कर रहे हैं वो हमेशा डेवलप होती रहेगी और उसके पीछे आपको कभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, इंग्लिश को भी आपको वही ट्रीटमेंट देना है। इंग्लिश को भी एज अ हॉबी जस्ट अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए और उसको इन्जॉय करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए काफ़ी सारे टिप्स, काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कैसे डे वन से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप टेंसेस को नेचुरल वे में इम्प्रूव कर सकते हैं, डेली रूटीन बताना, इंट्रोडक्शन देना, स्टोरी से प्रैक्टिस करना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूँ जिनको यूज़ करके आप डेली लाइफ में इंग्लिश को नेचुरल वे में इंप्रूव कर सकते हैं। इन केस वो वीडियोस आपसे मिस हो गई है, अभी आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए या मेरे चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ से वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप उन वीडियोस को देखिए और डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कितने ईजिली आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक्शन शीट के बारे में बताने वाला हूँ। पिछली कुछ वीडियो से हम एक्शन शीट्स की बात कर रहे हैं जिनको नेचुरल वे में हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज फिर से मैं आपको कैसी एक्शन शीट बताने वाला हूँ जो नेचुरल लाइफ में आप यूज़ करके उसे अपनी इंग्लिश को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो एक्शन शीट कौन सी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि उसका यूज़ आप प्रॉपर वे में समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा दोस्तों यूज़ ऑफ मे हैव टू इन सिक्स वेज। आज मैं आपको मे हैव टू का यूज़ बताने वाला हूँ, वो भी छः तरीके से, कि सिक्स वेज में आप कैसे मे हैव टू का इस्तेमाल सीख सकते हैं। इसका सेंटेंस याद करना बहुत ईजी है दोस्तों, पर इसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम कैसे यूज़ करेंगे आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है और कैसे इसको नेचुरल वे में भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों मे हैव टू होता क्या है। मे हैव टू जिसकी हिंदी आईडी या एक्सप्रेशन की आईडी होती है पढ़ सकता है, दोस्तों वो हिंदी एक्सप्रेशन या वो सेंटेंसेज जिनके लास्ट में आपको पढ़ सकता है वर्ड दिखाई दे रहा है, वहां पे आप मे हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। पढ़ सकता है दोस्तों वो काम जो कंफर्म नहीं है कि आप करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। जैसे मैं बोलूं मुझे जाना पड़ सकता है, हो सकता है मैं जाऊं, हो सकता है मैं ना भी जाऊं, तो वहां पे आपको मे हैव टू का इस्तेमाल करना है जहां थोड़ी बहुत आपको फोर्सनेस नजर आ रही हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नजर आ रहा हो कि वो एक्टिविटी कंफर्म नहीं है, होगी या नहीं होगी, वो मेरे मन से है या नहीं है, वहां पे आप मे हैव टू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल एग्जांपल के लिए पढ़ सकता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको पढ़ सकता है नजर आ रहा है वहां पे आप मे हैव टू का इस्तेमाल कीजिए। इसकी हमें स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जो एक्टिव है, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल, ही शी नेम आई यू देवी सबके साथ आप मे हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट जो एक्टिव है उसके साथ मे हैव टू। मे हैव टू हम कब लगाएंगे, जब हमारा जो सेंटेंस या एक्सप्रेशन है वो पढ़ सकता है एक्सप्रेशन पे आके एंड हो रहा हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो वर्ब्स होती है, और ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस से बच गया वो सब कुछ ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों कुछ सिंपल एग्जाम्पल से इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ हमें जाना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है, हो सकता है जाना पड़ सकता है, हो सकता है ना भी जाना पड़ सकता है, और थोड़ा बहुत हेल्पलेसनेस भी हमें यहाँ नजर आ रही है। तो इस एक्सप्रेशन को हम इंग्लिश में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे, हमें जाना पड़ सकता है, हमें की इंग्लिश होती है दोस्तों वी। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पढ़ सकता है पे आके एंड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मे हैव टू का, तो वी मे हैव टू, और जाने की इंग्लिश होती है दोस्तों गो। तो कंप्लीटली आप इसको कैसे बोलोगे, वी मे हैव टू गो, हमें जाना पड़ सकता है, वी मे हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं नेगेटिव सेंटेंस में ले जाऊं या नेगेटिव एक्सप्रेशन में ले जाऊं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंग्लिश को याद नहीं करना, नेचुरल वे में इसको सीखने की कोशिश कर रही है, तो अगर इसी एक्सप्रेशन को हम नेगेटिव फॉर्म में लेके जाएं तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर मैं हिंदी में इसे एक्सप्रेस करूं, हमें नहीं जाना पड़ सकता है, अब देखिए यहाँ पे नहीं आ गया, इट मीन्स ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो हमें की इंग्लिश वी आ गई सेम टू सेम। अब दोस्तों जो हमें नॉट यूज करना है वो मे और हैव के बीच में यूज करना है, ठीक है, बस ये छोटा सा रूल आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप नॉट को ऐड करेंगे वो मे और हैव के बीच में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा वी मे नॉट हैव टू, और जाने की इंग्लिश गो सेम टू सेम, तो कंप्लीटली आप इसको बोलोगे वी मे नॉट हैव टू गो, हमें नहीं जाना पड़ सकता है, तो वी मे नॉट हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया नेगेटिव एक्सप्रेशन। अगर इसको हम थर्ड तरीके से यानी कि इंटरोगेटिव फॉर्म में ले आके बोलें, इंटरोगेटिव फॉर्म दोस्तों कौन सी होती है, जब हमारा एक्सप्रेशन क्या वर्ड से शुरू होता है। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं इंटरोगेटिव तरीके से बोलूं,
क्या हमें जाना पड़ सकता है। तो इसमें रूल ऑलरेडी मैंने आपको टेंसेज में क्लियर किया था कि जब भी कोई एक्सप्रेशन क्या से शुरू हो तो उसमें जो भी आप हैविंग अब यूज कर रहे हैं उसको सबसे आगे लेके आ जाइए। तो यहाँ पे हम मे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मे को हम आगे लाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो भी चीज आप यूज करोगे मे और हैव के बीच में करोगे तो यहाँ पे जो वी है वो मे और हैव के बीच में आ जाएगा। तो कंप्लीटली आप इसको कैसे बोलोगे, मे वी हैव टू गो, क्या हमें जाना पड़ सकता है, तो मे वी हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा थर्ड तरीका, क्या हमें जाना पड़ सकता है, तो मे वी हैव टू गो। अब बात करते हैं हम WH फैमिली की, जहां बहुत सारी चॉइसेस होते व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, बहुत सारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं दोस्तों, वो अपनी एज पर चॉइस आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पे उनके भी देता हूं। मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे कहते हैं, हमें कहां जाना पड़ सकता है। अब दोस्तों कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, उसको आप सबसे आगे लेके आ जाइए। जब भी आप WH फैमिली का कोई वर्ड इस एक्सप्रेशन में शामिल करना चाहते हैं तो जो भी WH फैमिली का वर्ड है बस उसको सिंपली आगे लेके आ जाइए, सिंपल सा फॉर्मेट है। तो हमें कहां जाना पड़ सकता है, कहां की इंग्लिश होती है आगे वेयर, तो वेयर मे वी हैव टू गो, हमें कहां जाना पड़ सकता है, तो वेयर मे वी हैव टू गो। मान लीजिए एक्सप्रेशन को मैं कब लगा के एक्सप्रेस करूं, हमें कब जाना पड़ सकता है, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो व्हेन को हम आगे लेके आ जाएंगे। तो कंप्लीटली हम बोलेंगे व्हेन मे वी हैव टू गो। और इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं कैसे लगा के बोलूं तो कैसे की इंग्लिश होती है दोस्तों हाउ, तो हाउ को आप लेके आएंगे आगे, तो हमें कैसे जाना पड़ सकता है, तो हाउ मे वी हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, तो ये छह तरीके थे, छह वेज थे, छह एक्सप्रेशंस थे जिनको आप मे हैव टू का इस्तेमाल नेचुरल वे में करना सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि इनको समझिए, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी आपको क्योंकि उसमें प्रैक्टिस हमें थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, बट एक बार आपके माइंड में वो क्लिक हो गया उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको कभी दोबारा उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस उसको नेचुरल वे में आप यूज करना सीख जाइए। तो दोस्तों ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें मे हैव टू को डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन में शामिल करना है। अब बात करते हैं यूज की, सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। देखिए रूल्स को याद करना दोस्तों बहुत आसान है, आप बुक्स के थ्रू किसी भी चीज के थ्रू आप उसको रूल्स को आराम से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। मेन जो हमें दिक्कत आती है उसको यूज कैसे करें, बस मेरा जो चैनल है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि मैं आपको उन चीजों को यूज करना सिखा सकूं ताकि आप नेचुरल वुमेन को यूज करना सीख जाए। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, अब सेकंड स्टेप में हमें करना क्या, आप एक रजिस्टर लीजिए और छोटे छोटे एक्सप्रेशंस पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में उनको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। कैसे, जैसे हमने लिखा हमें जाना पड़ सकता है, अब आप जाने को उठा के यहाँ आना लगा दीजिए तो ये हो जाएगा हमें आना पड़ सकता है। तो इंग्लिश में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे वी मे हैव टू कम, हमें नहीं आना पड़ सकता है तो वी मे नॉट हैव टू कम। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना, या तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए या तो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आप आना जाना खाना पीना कुछ भी लगा दीजिए, सब्जेक्ट की जगह पे हम तुम मैं जो आप यूज करना चाहें वो आपका माइंड, जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप उसको यूज कीजिए। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे एक्सप्रेशन बनाइए, उनको हिंदी में लिखिए और फिर इनको इंग्लिश में लिखिए। जब आपको लगेगी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आराम से आप मे हैव टू का यूज अलग अलग फॉर्मेट में कर पा रहे हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन में कर पा रहे हैं, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, उसके छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलकर भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा ताकि आपको अपनी आवाज सुनाई दे, आपकी जो वॉइस है वो भी साफ हो जाए। अपने एग्जाम्पल सोचा, हमें जाना पड़ सकता है, वी मे हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्ट्रेच करके इसको बोलिएगा ताकि दोनों चीजें जुड़ के सामने आए और आपकी जो फ्लुएंसी वो भी थोड़ी सी आगे इंप्रूव हो पाए। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाई है कि कैसे अपनी फ्लुएंसी को आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो वीडियो अगर आपने मिस किया है तो प्लीज आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियो दोस्तों जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं उनको आप देखिए, आपको काफी सारी इंप्रूवमेंट अपनी इंग्लिश में नजर आएगी इन केस अगर उन वीडियोज को आप रेगुलरली फॉलो करते हैं। तो थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, उनको लाउडली बोलकर प्रैक्टिस करनी है। मुझे खेलना पड़ सकता है, आई मे हैव टू प्ले। मुझे नहीं खेलना पड़ सकता है, आई मे नॉट हैव टू प्ले। ठीक है दोस्तों, इस तरह से छोटे छोटे एक्सप्रेशन बनाइएगा और उनको बोलकर प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ सारी स्टेजेस में मैं इनको समझ गया हूं, मैं कॉन्सेप्ट को भी आपको माइंड में क्लियर हो गया है, आप इसको लिखकर भी प्रैक्टिस कर लिया, आपने इसको बोलकर भी प्रैक्टिस कर लिया, जब आपको लगे कि इन तीनों तरीके से कॉन्फिडेंटली आप आराम से मे हैव टू का यूज अलग अलग एक्सप्रेशन में समझ गए, तो फाइनली इनको डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए। और कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे डायरेक्टली इंग्लिश बोलनी है तभी इनका इस्तेमाल करना, नहीं दोस्तों, आपको इनको डेली लाइफ में ऐड करना है, उतने से एक्सप्रेशन को आपको बस इंग्लिश में देना शुरू कर देना। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने बोला यार हो सकता है मुझे आज कॉलेज जाना पड़ सकता है, आप उतना सा एग्जांपल तो हिंदी में बोल सकते हो सकता है, पर बाकी का जो एग्जांपल था मुझे कॉलेज जाना पड़ सकता है तो आई मे हैव टू गो कॉलेज, उससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, आपकी हिंदी भी वहां रहेगी और नेचुरल में आपकी इंग्लिश भी धीरे धीरे उसमें ऐड होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आपकी इंग्लिश जो है वो ज्यादा हो जाएगी और वो
परफेक्ट वे में, नेचुरल वे में आगे इंप्रूव हो जाएगी। और वो सब कुछ दोस्तों आपके हाथ में, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आपको तरीका बताना कि कैसे आपको यूज करना है। अगर आप सच में प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों आपको 100% रिजल्ट नजर आएगा और आपको दिखाई देगा कि कैसे आपकी इंग्लिश जो है वो नेचुरल वे में इंप्रूव हो रही। और ध्यान रखिए 90% वो आपके हाथ में है कि आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करना है या नहीं करना है। दोस्तों किसी वीडियो को देखकर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो जाएगी, इसको देख के सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और तरीका समझना है कि कैसे मैं उसकी प्रैक्टिस करूं। तो आई होप सो आपको मे हैव टू का यूज क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इनकेस फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कीजिए, वहाँ से मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मैं 100% आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा माइंड, मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि आपकी इंग्लिश 100% इंप्रूव हो और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएं। तो आई होप सो दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब स्क्रीन पर आपको मेरा लोगो दिखाई दे रहा होगा, जस्ट उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप इजीली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ नई एक्शन शीट के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।